गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज है दीपावली, सभी को हैप्पी दीपावली। और सारी तैयारियाँ जो है हो चुकी है, साफ़ सफाई हो चुकी है और सब कुछ जो है तैयार है। हमारे पीछे जो है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी जो है एकदम साफ़ सुथरे बैठे हैं। और मतलब अभी जो है इनको नहलाया धुलाया गया है और दीपक जो है एकदम साफ़ किए गए हैं, एकदम धोए गए हैं और अभी जो है दीपक जलाए जाएंगे। और आपको पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि भगवान राम जो है आज जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या वापस आए थे, तो तभी हम लोग जो है दीपावली मनाते हैं। तो भैया आज जो है दीपावली है और एक बार फिर से सभी को दीपावली। और रंगोली जो है बना रही हैं शैली, आपको दिखाते हैं चल के कितनी बनी है या अभी स्टार्ट की है, वो तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। ये भैया अभी रंगोली बना रहे हैं और अभी तो शुरुआत है केवल, अब देखते हैं। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो शुरुआत है, बाकी देखेंगे पूरी होने पर जो है कैसी लगती है। बाकी लास्ट टाइम भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई थी और इस बार भी बना रहे हैं। पिछली बार भी सबने मेहनत की थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, फिर भी अभी अभी से ही अच्छा लग रहा है। अभी बना नहीं है फिर भी जो है कलर अच्छा लग रहा है। और उधर जो है कलर रखे हुए हैं, इधर भी कलर रखे हुए हैं, तो बस बनाइए आप। बहुत ही सुंदर बन रही है क्या रंगोली। बहुत ही अच्छी। आज है दिवाली और हम बना रहे हैं रंगोली। और दिवाली में तो सभी लोग रंगोली बनाते ही हैं, बट हमें ज्यादा आता नहीं है, जितना आता है उतना बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस बार ये वाले कलर्स मिल गए हैं तो बहुत अच्छे हैं। इससे पिछली बार हम लोग को ये वाले मिले थे, पैकेट वाले थे, तो फिर उससे डालने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन इनसे अब बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी पूरी बन जाए तब आपको दिखाएंगे। और घर के बाहर जो है लाइटें लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये जल रही हैं, देख रहे हैं, आपको लाइटें दिख रही होंगी जलते हुए। और देखिए खंभे पर भी लगा दिए हैं और साफ़ सफाई एकदम हो चुकी है। देखिए पानी से सब कुछ धोया गया है। और हमारे छोटे भाई जो है वो थोड़ा सा सामान लेने गए हैं, जो भी चीज़ें लगेंगी, मिठाई है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, वो सारी चीज़ें लेने गए हैं, तो वो लेके आएंगे। बाकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी जो है बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन है तो दिखाई नहीं दे रहा है। इधर साइड भी देखिए, इधर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो भैया जो है दीपावली की तैयारियाँ जो है एकदम पूरी होने वाली हैं और बस अभी देखते हैं आगे क्या होगा। भैया रंगोली देखिए बनने वाली है पूरी और थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बाकी जो है इन्होंने काफ़ी मेहनत से जो है बनाई है ये। आप लोग बताइए कैसी बनी है। अच्छी बनी है, अपने आप ही तारीफ ले रहे हैं। ले उसमें तारीफ करने की बात थोड़ी है, कोई अच्छी बनी ही है। इनकी रंगोली जो है तैयार हो चुकी है, आपको दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर बनाई है ये, देखिए हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और हमारी रंगोली यहाँ की तो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पूजा होनी है तो इस कमरे की रंगोली कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग आंगन में बनाएंगे चलकर। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा बनाया है। अभी यहाँ पे जो है क्या होगा, दीपक रखे जाएंगे, माता जी और गणेश जी रखे जाएंगे और दीपक रखने, ये सब हम लोग बाद में रखेंगे, तब तक आंगन में रंगोली बनाने चलते हैं। मम्मी जो है दिया उठा रही हैं और इनको जो है अभी अंदर रखा जाएगा। रंगोली जो है आंगन में बन रही है, अंदर जो है बन चुकी है। हाँ, एक जहाँ पे पूजा होनी है वहाँ पे बन गई है। हाँ, अब हम लोग यहाँ आंगन में बना रहे हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। हाँ, क्योंकि मेन काम तो रंग भरना होता है। हाँ, बाकी तो चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। घर वाली जो है मतलब आंगन में बनाई गई है रंगोली। हमारी सारी तैयारियां जो है कंप्लीट होने वाली हैं और मैं भी तैयार हो चुका हूं और सभी लोग जो है दीपक रख रहे हैं अंदर जलाने के लिए। बाकी रंगोली भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम लोग फटाफट चलते हैं अंदर।
और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। शाम का टाइम हो चुका है और आपको दिखाते हैं अपनी लाइटें घर की। देखिए वाह क्या खूबसूरत। जैसा मैंने आपको बताया था कि दिन में जो है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी आपको नज़ारा दिखेगा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दीपक जो है सभी रख दिए गए हैं और पूजा हो गई है। मिठाई जो है खाना शुरू कर दिए हैं सभी लोग, और मैंने तो नहीं खाई है, ना ही इन्होंने खाई है, बस हम लोग खाएंगे। और जो है दीपक रख दिए गए हैं और मोमबत्तियाँ भी लगानी हैं, और भाई जो है हमारे छोटे वाले सबसे जो है वो मंदिर पर जो है दिए रखने के लिए ठीक है। तो सभी को एक बार हैप्पी दीपावली। मैंने इस वीडियो में काफ़ी बार जो है सभी को हैप्पी दीपावली बोला है, तो फिर से एक बार हैप्पी दीपावली। और आशा करता हूँ आपकी दीपावली जो है बहुत ही खूबसूरत रहेगी और आप लोग जो है अच्छे से अपना त्यौहार मनाएंगे। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहेंगे कि सभी की वैसे तो दीपावली अच्छी रही होगी और भगवान सबको करें, बिल्कुल प्रसन्न करें और धन धन से परिपूर्ण करें, और हमारे भगवान गणेश जी सभी को ज्ञान प्रदान करें, सभी को ज्ञानवर्धक बनाएं, बस यही कामना है। मिलेंगे अभी थोड़ी देर में पटाखों के साथ। पूजा हो गई है और आप देखिए प्रिया मिठाई बांट रहे हैं, हम प्रिया मिठाई बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, और पापा भी मिठाई खा रहे हैं, ये तो खड़े हैं, पापा भी मिठाई खा रहे हैं। मिठाई पापा कैसी लगी? घर की मिठाई है, घर की। हाँ अच्छी लग रही है, घर की बनी हुई मिठाई है पापा खा रहे हैं, बाकी मार्केट से भी मिठाई आई हुई है। ये तो डाल रहे हैं, ये देख भरो है पहले से, अब ये बिल्कुल हम खाई के आए अंदर से। कल खा लेंगे। लट्टू कैसे हैं? अब हम लोग बाहर आ गए हैं और ये देखिए लाइट हम लोगों ने लाइट वाइट सब लग चुकी है। अब जो है बारी है पटाखे छुड़ाने की, अभी पटाखे छुड़ाने बाकी है, बस वही तो रह गया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। हाँ। और आपको दीपावली सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ?
हमें सबसे अच्छा तो बस ये लगता है कि जो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ठीक है, वो अच्छा लगता है और? ठीक। और उसके बाद में जो ये रोशनी होती है ना, दीपों की रोशनी, सारा मतलब घर एकदम जगमगा जाता है, एकदम लाइट सारी, तो मतलब बहुत अच्छा घर, वही घर हम अपना ही घर सोचिए डेली देखते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे जब दीप लग जाते हैं तो दीपों की रोशनी जो इतनी अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा घर जगमगा सजाता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वैसे ही जो है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और बाकी सब लोगों के अपने अपने, हम मुझे लगता है कि सभी को ऐसे ही अच्छा लगता है। और क्या, दीपक जलाना, पटाखे छुड़ाना, लड़कों को वैसे जो है पटाखे छुड़ाना काफी अच्छा लगता है। बचपन में मैं बहुत छुटाता था, अब तो नहीं, अब तो छूट गया है पटाखे छुड़ाना, लेकिन बचपन में यही था कि पटाखे जो छुड़ाने पापा लाते थे, अब हम लोग खुद ही लाते हैं। तो बस यही है, पटाखे की बारी है, बस मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है दीपावली मनाते हैं अपने गांव में, और जो भी चीज़ें होती हैं आपको मैंने दिखाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।